छूट, भ्रष्टाचार की खुली छूट, भू माफिया को खुली छूट, शराब की खुली छूट, अपराध की खुली छूट, ये लूट की खुली छूट गहलोत सरकार में ही हुई। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन को लेकर भाजपा की परिवर्तन यात्रा लगातार जारी है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार राजस्थान में सभाएं कर रहे हैं और मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवा रहे हैं। हमारे साथ खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है। अनुराग जी, परिवर्तन यात्रा राजस्थान में चल रही है, माहौल कैसा लगा आपको इसके? आपके सामने है, जनता में जोश है। रात के 8:30-9 बजे भी आपको दिखेगा हजारों लोग सड़कों पर खड़े हैं, समर्थन कर रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जिस समय का इंतजार था वो समय आने वाला है, भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिलेगी, राजस्थान में महिला अपराध खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और पेपर लीक के मुकदमे और इस तरह के जो घटनाएँ हैं उनसे मुक्ति मिल पाएगी और ये लूट की खुली छूट वाली गहलोत सरकार से भी मुक्ति मिलेगी। दूसरी तरफ गहलोत कह रहे हैं कि उनकी बड़ी योजनाएं हैं, उनके माध्यम से वो सरकार रिपीट करेंगे राजस्थान में। देखिए, लगभग 5 वर्ष प्रदेश की जनता ने देखा कि एक राजस्थान के कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते रहे, कोई लाल डेयरी जिसमें काले कारनामे गहलोत जी के हैं, उनकी सरकार के हैं, वो सामने हमने नहीं उनके ही नेता ने रखे। सचिवालय से 3 करोड़ रुपये के लगभग मिलता है और 1 किलो सोना मिलता है, किससे? गहलोत जी के करीबी अधिकारी से। ऐसी लूट की खुली छूट, खनन माफिया रास्ते में आपने देख लिया, भू माफिया की चर्चाएं आपने सुन ली, महिला अपराध आज देश में 1 राजस्थान है, पेपर लीक में 1 राजस्थान है, ऐसे ही गैंग रेप गैंग वॉर से लेकर भू माफिया खनन माफिया में भी 1 राजस्थान है। अभी कुछ दिनों पहले देखा गया कि गहलोत सरकार के विधायक ही अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए, एक विधायक ने तो अपने सिर तक मंडवा लिया भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए, अपने आप में दिखाता है कि 5 साल इंतजार करके भी कुछ नहीं मिला। इस गहलोत सरकार में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जिसकी लागत 100 करोड़ रुपया हो और इन 5 सालों में पूरा हुआ। ये तो सरकार चलाई है, ये बंदर बांट में लगे रहे, अपनी लड़ाई में लगे रहे, कुर्सी के पीछे भागते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे और महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ती गई और अपनी मूछों को ताव देके मर्दों का प्रदेश कहते रहे। ये अपमान महिलाओं का भी है, राजस्थान का भी है। देश में इंडिया नाम से नया गठबंधन बना लेकिन वो सनातन धर्म को लेकर कई तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। ये INDI क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ? ये इंडी अलायंस तो हो सकता है, घमंडिया गठबंधन हो सकता है, ये अपना भ्रष्टाचार का चेहरा छिपाने के लिए चोला बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, लेकिन इनके नेता नियत ये साफ दिखती है जो भ्रष्टाचार से भरी हुई है। G20 को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये बड़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, जबकि G20 कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी कहा गया विपक्ष का। आज भी कई बयान आया, जयंत चौधरी ने एक बयान इस तरीके का दिया। मैं इतना ही कहूँगा, 140 करोड़ भारतीयों का सिर सम्मान से ऊँचा किया है, गर्व के क्षण हमें वो देखने को मिले जो दुनिया के देश नहीं कर पाए वो भारत ने किया है। सारी दुनिया को एक मंच पर लाकर एक स्वर में बात करके दिल्ली डिक्लेरेशन को सफल बनाना, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत अरब जगत से होती हुई यूरोप तक जाना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि भारत का व्यापार कितना बढ़ने वाला है, रोजगार को कितना लाभ मिलेगा, भारत के किसानों और उद्योगों को कितना बल मिलने वाला है। यही नहीं, इसके अलावा हमारे जो किसान हैं उनका जो मोटा अनाज मिलेट्स जिसको हम कहते हैं उसको भी हर भोजन की थाली में परोसा गया, चाहे वो मीडिया के लोग हों या बड़े नेता हों, और सबने सराहा कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी, तो इसकी मोटे अनाज की बहुत डिमांड बढ़ने वाली, इससे छोटे और मझले किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। फिर हमने जो बायोफ्यूल अलायंस किया उसमें भी खेती बाड़ी की जो उपज होती है मक्का से लेके अन्य फसलें उसका ही उपयोग किया जाता है कि पेट्रोल में एथेनॉल को मिक्स किया जाए जिसको हम 25% करने वाले हैं, इससे किसानों को फसल के दाम ज़्यादा मिलेंगे। ये सारे निर्णय जो हुए महिला विकास से लेकर युवाओं के लिए स्किल्स तक, अगर दिल्ली डिक्लेरेशन का और SDGs का देखा जाए तो सबसे बड़ा लाभ भारत को मिलने वाला है। एक और बड़ा सवाल ये था कि LPG और ई कोर्ट को लेकर भी अभी मोदी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की है, किस तरीके से ये घोषणाएं हैं और क्या लाभ पहुंचा इसको लेके? LPG और ई कोर्ट जो आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए 75 लाख नए कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मिलेंगे, मुफ्त में मिलेंगे,
और पहला सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। जहाँ तक ई कोर्ट्स की बात है, 7,210 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। वर्चुअल कोर्ट रूम होंगे, आप ई फाइलिंग भी कर सकते हैं, ई कोर्ट ई सेवा केंद्र भी बनेंगे कोर्ट में, ताकि आप अपने ही कहीं से किसी को चालान भेजना हो, कुछ और करना हो, वो सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध होगी। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर होता है, वैसे ही आपके 4,400 केंद्र वो भी बनाए जाएंगे। अब आपको कई बार चालान भुगतना होता है, तो उसके लिए भी आपको वर्चुअल वो सुविधा मिल पाएगी, आपको आना नहीं पड़ेगा, 24 घंटे की सुविधा आपको मिलेगी। अच्छा, राजस्थान से एक आखिरी सवाल, वैसा गहलोत सरकार में गहलोत और पायलट के बीच में लगातार गुटबाजी नजर आई, इसका फायदा क्या आपको मिलेगा, और गहलूट जो आप शब्द यूज कर रहे हैं लगातार, इसका क्या मायने? देखिए, इनका आपसी फूट का लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि इनकी आपसी फूट के चलते राज्य का बहुत नुकसान हुआ और राज्य के लोग अपना नुकसान नहीं चाहते। दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ कि गहलूट में इसलिए कहता हूँ कि महिला अपराध की खुली छूट, खनन माफिया को खुली छूट, गैंग रेप की खुली छूट, पेपर लीक की खुली छूट, भ्रष्टाचार की खुली छूट, भू माफिया को खुली छूट, शराब की खुली छूट, अपराध की खुली छूट, ये लूट की खुली छूट गहलूट सरकार में ही हुई। इस बार सत्ता परिवर्तन राजस्थान में होगा, निश्चित तौर पर होगा। ये भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने साफ कहा है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा और कमल का फूल खिलेगा। कैमरामैन राजेश।